बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्पेशल असिस्टेंट सादिक अली मेमन साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे कैबिनेट कॉलीग्स, डीपीटी के एम्प्लॉइज, आज इस सेंटर जिसका हम इख्तिताम कर रहे हैं, इसके अंदर सारे पार्टनर्स, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपको वैसे एक चीज बता दूं शुरू करने से पहले कि आज इस तकरीब का इफ्तिताह इस सेक्टर का इस तकरीब के चीफ गेस्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आना था लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद इसको इफ्तिताह कर लें। वो बजट कल आपको पता है पेश हुआ है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं और पूरी सपोर्ट इस इनिशिएटिव, इस सेंटर और जो भी टीपीडी कर रहा है उसके लिए मुझे कहा है कि कन्वे करें। ये सफर शुरू किया था आपने देखा 2018 में, 17 में शुरू किया था। हमने कहा कि जी जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड किया जाए, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, नाम बड़ा मुश्किल है मैं हमेशा भूल जाता हूँ, डीपीडी बनाया, उसका एक नया कानून बनाया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया जो मेरा ख्याल है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरीके की लेजिस्लेशन नहीं हुई हुई है जो कि सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली ने की है। इस सिलसिले में कानून असेंबली ने बनाया, अब डिपार्टमेंट के ऊपर था कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करें और मुझे खुशी हुई है सादिक मेमन साहब ने जैसे बताया है कि किस तरीके से 66 सेंटर्स पूरे सूबे में डीपीडी देख रहा है और उनमें बेहतरी ला रहा है। गुंजाइश अभी बहुत ज्यादा है लेकिन हम हमारी कोशिश यही है कि जो कानून असेंबली ने बनाया है उसके तरीके उसके तहत हम वो सारे सहूलतें मुहैया करें इन सेंटर्स को। इसमें खास तौर पे मैं मेंशन करना चाहता हूं जो प्राइवेट सेक्टर में हमें बे इंतहा मदद मिली है जिसके बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। सादिक ने नाम लिए, मैं इसलिए कोई नाम नहीं लूंगा कि मुझसे कोई रह ना जाए, लेकिन जिसने भी काम किया है मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासतौर पे ये नाम तो मुझे याद है जो आज जिनके साथ इस कोरंगी के सेंटर के लिए MOU साइन हुए हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों, एनडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, नापा, आपकी पाई इन द स्काई, तौफीक पाशा फार्म्स, IBA कराची, ये इतने बड़े बड़े नाम खुद कुछ हैं कि इन लोगों को जब हम अट्रैक्ट कर सकें और इधर आए तो इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट अपने काम अपना काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत लंबी तकलीफ नहीं करूँगा, सादिक ने काफ़ी डिटेल में बताया है और मुझे मुश्किल ही लगता है बिकॉज जितना हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन मुझे खुशी